जय माता दी। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये श्री हरि नरसिंह अवतार नरसिंह भगवान का मंत्र है। ओम खेम खेम खोम कम फट प्राण गहासी प्राण गहासी होम फट सर्व शत्रु सहारना सर सालुआ पक्षी राजा होम फट। तो नरसिंह जयंती 15 मई 2022 को आ रही है। जो भी मनुष्य शत्रु नाश करना चाहता हो वो भगवान नरसिंह के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करे और हो सके तो भगवान नरसिंह के नाम से हवन करे ताकि उनके शत्रुओं का नाश हो सके। क्योंकि जो अत्याचारी है अनाचारी है दुर्दांत है उसे मारने में कोई पाप या दोष नहीं लगता है। तो 15 मई 2022 को नरसिंह जयंती आ रही है, तैयारी करके रखें, नरसिंह भगवान की पूजन अर्चन करें और अपने शत्रुओं का नाश करें। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। इस मंत्र की आप कम से कम नहीं तो 54 माला तो अवश्य करें उस दिन और दशांश हवन अवश्य करें ताकि आप शत्रुओं से बचे रहें, शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो। या फिर ओम खैं खैं खौं खम फट प्राण गहासी होम फट सर्व शत्रु सहारना सर सालुआय पक्षी राजाय होम फट। एक मंत्र यह भी है, इसमें भी शत्रुओं का नाश होता है। तो जिसकी भी चाहें आप साधना कर सकते हैं उस दिन, पर एक दिन की साधना से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कम से कम 12 घंटे जप और तप करना होगा, तब शत्रुओं का नाश हो सकता है। ऐसे एक जगह लिखा हुआ है कि हे नरसिंह प्रभु, इस संसार में कष्ट से दुखी जीवों की रक्षा के लिए जितने भी उपाय कहे गए हैं अगर आप उनकी उपेक्षा कर दें तो वह समस्त उपाय निष्फल हो जाते हैं। यानी कि माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकते। सागर में डूबते हुए नौका को नहीं बचा सकते और औषधि भी रोग का शमन नहीं कर सकती। आप में ऐसी सामर्थ्य है, वात्सल्य गुण की राशि भगवान नरसिंह के अवतार, आप में ऐसी शक्ति है कि माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकेंगे यदि आप उपेक्षा कर दे तो। सागर में डूबते हुए नौका को कोई बचा नहीं सकता और बीमारी लगा दो तो चाहे कितनी ही औषधि ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे आप ऐसे गुण से संपन्न हो, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो 15 मई 2022 को उदया तिथि के अनुसार नरसिंह जयंती है। आप हवन करें, जप करें, तप करें और उनके मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन अवश्य करें। जय माता दी।